एंट्री है, यहाँ से एंट्री है रेप्टाइल हाउस की। इन कोबरा है यहाँ पे, दिख तो रहा नहीं है, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे नहीं दिख रहा, वो ही है शायद से पीछे, दिख तो रहा नहीं है। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है ये भी एक है इंडियन कोबरा, ये भी है एक, यहाँ पे भी है। इसके इसके बारे में लिखा है, साइंस नेम भी लिखा हुआ है, नाजा नाजा। यहाँ पे तो दिख नहीं रही है, अंदर ही बैठे हुए हैं अभी छुपके। बाकी ये तो एक स्टैचूज बना रखे हैं इन्होंने इनके। बाकी ये रहा, ये है इंडियन रॉक पाइथन, ये भी पता नहीं कहाँ है भाई साहब। ये रहा, ये बैठा हुआ भाई, बहुत डेंजर है ये। ये रहा, बाकी ज़्यादा ज़्यादा और तो है नहीं कुछ, एक ही है ये बस। इसके फैक्ट्स लिखे हुए हैं, इसके बारे में पूरा दे रखा है यहाँ पे। बाकी ये रहा, बाकी देखते हैं। बाकी इस साइड में स्टैचूज बना रखे हैं छोटे छोटे, डायनासोर्स के स्टैचू बना रखे हैं। ये अंडर रेनोवेशन है ये पार्ट। बाकी यहाँ पे डॉग फेस वाटर स्नेक है, दिख तो रहा नहीं है मुझे। बाकी इन सबकी सबके बारे में दिखा रखा है। इंडियन घड़ियाल ये तो वहाँ पे देख लिया था हमने, है पहले ही। क्रोकोडाइल फाइटिंग भी है, ये दिखा रखा है मार्स क्रोकोडाइल बॉडी। बाकी ये रेडमैन स्नेक, ये देखा था मैंने बहुत पहले जब आया था, दो बार तब देखे थे। पीछे बैठे वो बैठा है अंदर, दिख रहा है ना। मेरे कैमरा जो है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है, नहीं तो मैं इसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता इनकी, स्नेक्स की अच्छी अच्छी। चलो अगली बार जब आऊँगा तब खींचूँगा इनकी फ़ोटोज़। अभी आगे देखते हैं इसका, ये इसके बारे में भी लिखा हुआ है पूरा, देख लेना। बाकी ये है रेप्टाइल हाउस जो है, इंडियन रॉक पाइथन इधर भी है, वो लास्ट में बैठा हुआ है, दिख रहा है ना वो रहा। ये हमेशा कोने में जाके बैठ जाते हैं, सेंटर में नहीं रहते ये वाले। बाकी इसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में, जिसको देखना है देख लेना। आकार लिखा हुआ है इसका, साइज़ वाइज सब लिखा हुआ है, अंडों की मात्रा लिखी हुई है इसकी, बहुत ज़्यादा अंडे इसलिए। बाकी ये स्टैचू बना रखा है टर्टल का, ये रहा एक और, एक ये रहा। बाकी ये मॉनिटर लिजर्ड है जो यहीं कहीं होगी अंदर, मैंने बताया था ना एक लिजर्ड तो होगी, मिल गई, यहीं होगी कहीं, दिख रही नहीं है मेरे को। बाकी यहीं कहीं होगी मॉनिटर लिजर्ड, अंदर छुप के बैठी होगी इन्हीं के अंदर कहीं, छोटे से तो होते हैं, स्नेक तो लंबा ही होता है, वो दिख जाता, ये नहीं दिखते। बाकी ये एक और है यहाँ पे, इसका केज छोटा सा। इनका पता है क्या होता है, इनका मतलब सर्दियों में ये लोग ना, सर्दियों में ना ज़्यादा इनको वो ठंडी लगती है, तो ये गर्मी लेने के लिए अंदर चले जाते हैं अपने गड्ढों में, तभी ये दिल्ली ज़ू में रेप्टाइल हाउस बंद हो जाता है, मेन ये चीज़ होती है, तो इसीलिए। बाकी ठीक है, मॉनिटर लिजर्ड तो दिखी नहीं, यहीं कहीं हो भी सकती है पीछे, पर दिखी नहीं।
लिज़र्ड यहाँ पे ही है, वो बैठी हुई कोने में बिल्कुल। बहुत बड़ी है ये तो, साइज़ में सो रखी है बिल्कुल पीछे। राइट साइड में ज़्यादातर वो स्टैचूज बना रखे हैं, स्टैचू हैं। बाकी इस साइड पे जो है, लेफ़्ट साइड पे, वहाँ पे ज़्यादातर वो हैं। यहाँ पे भी एक स्नैक है, रेड स्नैक है ये तो, चूहे खाते हैं भाई साहब। ये भी पीछे ही कहीं होंगे, दिख तो रहे नहीं है, अंदर ही होंगे इनके, सो रहे हैं भाई साहब। बाकी इसके बारे में पूरा लिख रखा है, साइज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेना, वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही लग रहे हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके 11 साल तक जीते हैं भाई, सही है। साइज 2.251 सेंटीमीटर है, सही है। बाकी इंडियन हैंडबुक, ये तो बहुत छोटा है, ये मुश्किल से मिलेगा, आगे तो नहीं होगा, ये पीछे ही बैठा होगा कहीं, होगा ही कहीं। बाकी ये इतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को। इधर की साइड पे तो ये स्टैचू बना रखे हैं, तभी मैं बोल रहा था यहाँ पे लिमिटेड एनिमल्स और ये सब है, एनिमल्स लिमिटेड ही हैं, मतलब सब कुछ जितना भी है। लाने चाहिए और ज़्यादा एनिमल्स लेके आने चाहिए, अब तो फीस भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी है इधर की। इंडियन रॉक पाइथन ये यहाँ पे है, इधर होगा वो बैठा, वो देखो वो बैठा कोने में लेटा हुआ है, ये सही है। साइज़ में भी बहुत लंबा होगा ये तो, बहुत लंबा साइज़ होगा इसका तो। ये एक स्नेक है रहा, ये रहा ये रहा, ये छुप गया भाई, पीछे की साइड छुप गया ये तो। इसका नाम नहीं लिख रहा था, यहाँ लिखा हुआ है इंडियन स्टार टॉर्टोइस, ये तो ये टॉर्टोइस है, इसका नाम नहीं दे रखा स्नेक का, पीछे छुपा हुआ था, छोटा बच्चा था वो तो। यहाँ की तरफ आ जाएगा बाहर। बाकी टर्टल तो दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया ये टर्टल भी। स्नेक तो दिखी नहीं रहा, ये तो अंदर हो गया था, अभी बाहर आया था, घबरा गया था वो बच्चा है ना। इस वाले स्नेक की भी मैंने एक बार फ़ोटो खींच रखी है, क्लिक कर रखी है, यही था शायद से वो। बाकी अंदर ही चले गए। बोलना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं हर हफ्ते मतलब आऊँगा डेली ज़ू में आऊँगा, और यहाँ की फ़ोटोज़ भी क्लिक्स करूँगा अपनी, जितनी भी फ़ोटोज़ हैं अच्छे अच्छे क्लिक करूँगा, और साथ में शूट भी अच्छे करूँगा, यहाँ की ट्राई पूरा करूँगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। दिल्ली ज़ू का सफ़र है ना एक, वो एंड होता है, तो वही है, ये लास्ट था रेप्टाइल हाउस, इसके बाद दिल्ली ज़ू ख़त्म हो जाता है, इसके बाद एंड हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।